दिनों महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सहायक संचालक से उप संचालक की पदोन्नति में गड़बड़ी सार्वजनिक होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मामले की शिकायत विभागीय मंत्री अनिला भेड़िया तक पहुंच गई है। 26 मई को सहायक संचालक से उप संचालक के लिए हुई डीपीसी के बाद बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि पदोन्नति में सीनियर अफसरों को अयोग्य ठहरा दिया गया है। मंत्री के पास मामला पहुंचने के बाद उन्होंने फाइल ही लौटा दी है। बता दें कि संचालनालय में लंबे समय से जमे अधिकारियों ने पदोन्नति के लिए नियमों को ताक पर रख दिया है। ये पूरा खेल केवल एक सहायक संचालक को पदोन्नत करने के लिए किए जाने की चर्चा है। पदोन्नति से प्रभावित होने वाले अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण में स्थिति स्पष्ट होने तक पदोन्नति पर रोक लगाने की मांग की है।